क्या आप हर समय थका थका महसूस करते हो? क्या आप हर समय ऐसा लगता है कि चिड़चिड़ापन रहता है, हर बात आप भूल जाते हो, या आपका किसी काम में मन नहीं लगता? आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम भी है, यानी कि आपको तीनों प्रॉब्लम है, यानी कि फिजिकल, शारीरिक, मेंटली, यानी कि नींद भी नहीं आ रही है आपको, और सेक्सुअली। तो इसके लिए आप क्या करो, मतलब इसके लिए प्रॉब्लम आपको तीनों है, लेकिन इसकी दवाई एक कॉम्बिनेशन है, ये वाला जो मैं अपने पेशेंट को देता हूँ, जिसको मैंने बोला है स्टेमिना ड्रॉप, यानी कि आप फिजिकली, मेंटली और सेक्सुअली तीनों तरह से आप कमज़ोर हो, तभी आपको कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। अभी मैं आपको इसका नुस्खा बताऊंगा, यानी कि इसका कॉम्बिनेशन बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि जो भी मैं अपने क्लिनिक पर अपने पेशेंट को देता हूँ वही नुस्खा मैं आपको बताऊँगा, और मैं यही चाहता हूँ कि आप अपना कीमती पैसा और जो मोटा पैसा है वो खर्च ना करें। इतना महंगा नुस्खा नहीं है, आपको होम्योपैथी फार्मेसी पर जाना है, और जो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ ये नुस्खा आपको खुद ही बनाना है। देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, खुद बना लेना। इसके अंदर मैंने 6 मेडिसिन डाली है, और 6 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, और ये मदर टिंचर है, आपको मदर टिंचर लाने हैं होम्योपैथी फार्मेसी पर और खुद तैयार करना है। कोई बात समझ में नहीं आती है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तब मेरे जो नंबर है आप मुझे मैसेज कर देना और पूछ लेना, लेकिन तब पूछना जब आपको प्रॉब्लम हो कि आपसे मेडिसिन नहीं बन रही है। मैं अपने पेशेंट को 30 ml की देता हूँ, क्योंकि 30 ml की हमारी जो मेडिसिन है वो 10 से 15 दिन चल जाती है। तो जब मैं मेडिसिन देता हूँ तो इस कॉम्बिनेशन से मैंने इतने पेशेंट को ठीक कर चुका हूँ, जो कहते हैं कि हमने इतनी लंबे समय दवाई खा ली, इतनी महंगी महंगी हमने मल्टीविटामिन खा लिए, और जो भी कुछ खा सकते थे वे जहाँ जहाँ वे दिखा सकते थे दिखा चुके, लेकिन इस कॉम्बिनेशन से मैंने तीनों कमजोरी को ठीक किया, यानी कि मेरी स्टेमिना ड्रॉप। अब इसको आप नोट कर लीजिए, इसमें जो 6 मेडिसिन है, और मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि आपको जो मैंने मेडिसिन बताई है आपको समझ ना आए, तो मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में जो भी मेडिसिन है इसके नाम लिख दूँगा, कॉम्बिनेशन लिख दूँगा, खाने का तरीका लिख दूँगा, बहुत ईजी है, ठीक है ना, इसलिए डरने वाली बात नहीं कि आपके समझ में ना आए। अब इसमें जो 6 मेडिसिन है, इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है जिनसेंग, जिनसेंग थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, सबसे कॉस्टली ही पड़ती है जिनसेंग, क्योंकि एक तरीके की चाइनीज मेडिसिन है, तो और इसका अर्क यानी कि इसका मदर टिंचर इसका इस्तेमाल होता है। ये शारीरिक कमजोरी या मानसिक कमजोरी दोनों में काम करती है जिनसेंग मदर टिंचर, इसके बारे में तो आपने सुना भी होगा। आजकल बहुत से सप्लीमेंट हैं उनमें भी ये आता है, और भी सप्लीमेंट बहुत महंगे होते हैं जिसमें जिनसेंग आता है, तो आपको कोई सप्लीमेंट ले, जब आप ये कॉम्बिनेशन लेना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको कोई भी सप्लीमेंट, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे सेक्सुअली, कोई नहीं लेना पड़ेगा आपको। तो पहली मेडिसिन हुई जिनसेंग, सेकेंड मेडिसिन है अश्वगंधा, इसके बारे में तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ और सबको पता है, अश्वगंधा का मदर टिंचर, जिसको बोला जाता है विथानिया सोमनीफेरा, इसका भी मदर टिंचर लेना है। मैं आपको इनके बारे में ये नहीं बताऊँगी काम क्या करते, मैं आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ और तरीका बताऊँगा। तो सेकंड मेडिसिन क्या हुई, अश्वगंधा। थर्ड मेडिसिन है ये आपकी डामाइना। डामाइना मेडिसिन ज़्यादातर हम सेक्सुअल वीकनेस में देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सेक्सुअल वीकनेस को ही ठीक करे, ये आपके फिजिकली यानी कि आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, आपका स्टेमिना ऐसा हो जाएगा जब आप, चाहे आप जिम में जाओ ना जाओ, मतलब आप हर समय एक्टिव रहोगे, मतलब आपके चेहरे पर थकान महसूस नहीं होगी बिल्कुल हर समय, आप जब आपको लोग देखेंगे यार इस क्या खा रहा है भाई, हर टाइम इतना एक्टिव कैसे रहता है, मतलब बिल्कुल बिंदास, कोई चेहरे पे सनक नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं है, बिल्कुल माइंड बिल्कुल फ्रेश, ये मेडिसिन करती है। फिर मेडिसिन आती है चाइना। चाइना तो किसी को खून की कमी रहती है ना, तो वहाँ पर हम इसको देते हैं, ये ज़्यादातर महिलाओं में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जो कहते हैं कि हमारे HB कम यानी कि हीमोग्लोबिन कम है, हमारा शरीर टूटा टूटा रहता है, थके रहते हैं, बिस्तर पर पड़ा रहना चाहते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता, तो जब हम ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं चाइना। फिर मेडिसिन है ये है ब्रेन टोनिक, इसका नाम है ब्रेन टोनिक, यानी कि ब्रेन के लिए, ब्रेन के मतलब मेमोरी लॉस हो रही है, किसी काम में मन नहीं लगता है, यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो याद नहीं रहता है, हर छोटी छोटी बातों को भूल जाते हो, तब ये मेडिसिन काम करती है, और इसका नाम है जिंको बिलोबा।
जिनको बिलोबा ये मदर टिंचर में लेनी है आपको। और लास्ट मेडिसिन है योहिबिनम, ये एक तरह की सेक्सुअल मेडिसिन है, यानी कि जिसको सेक्सुअल कमजोरी है तो हम इसको ये डालते हैं योहिबिनम। ये भी थोड़ी कॉस्टली होती है लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हम सारी मदर टिंचर अच्छे कॉम्बिनेशन में लेते हैं इसको, ठीक है ना। हम ये नहीं देखते कि महंगा है इसको नहीं मिला है, तब जाकर ये हमारा पेटेंट तैयार होता है। जब हम इतनी अच्छी मेडिसिन मिलाएंगे, कॉस्टली मेडिसिन मिलाएंगे, तो क्या रिजल्ट नहीं आएगा? 100% आएगा। आपको ये मेडिसिन लानी है, चाहे तो आप इनका सेम पार्ट लेना है, मतलब यदि आप 6 मेडिसिन लाएं तो सबके 10-10 ml आपको मिला लेना है, या आप 5-5 ml मिला लेना, एक कॉम्बिनेशन तैयार कर लेना आपको, जैसे मैंने किया है, मैंने अपने पेशेंट को देता हूँ। तो आधा कप पानी लेना है आपको, आधा कप पानी लिया आपने, और इसकी जो मेरी कॉम्बिनेशन है इसकी आप 20-25 बूंद उसमें डाल देनी है, और दिन में 2-3 बार आप इसको पी लेना, कभी भी पी लेना। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको खाने के बाद लेनी है, खाने से पहले लेनी है, कभी भी आप लेना। आधा कप पानी में 20-25 बूंद डालना है दिन में 2 बार, यदि आपके पास समय है तो 3 बार भी ले सकते हैं। और इसको आप कंटिन्यू रखना, मतलब 2-3 महीने आप इसको कंटिन्यू रखना, फिर चाहे आप इसको एक टाइम कर लेना, मतलब 2 महीने आपने 2 टाइम लिया, फिर इसको एक टाइम भी कर सकते हो। आप देखना, आपको कुछ मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सप्लीमेंट, कोई भी आप कुछ भी मेडिसिन बोले ना, फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली, मतलब मैं कह सकता हूँ कि सिर से पैर तक के लिए रामबाण चीज़ है। आपके बाल झड़ते हो वहाँ भी ये काम करेगी, यानी कि शरीर का ऐसा कोई, मैं ये नहीं कह सकता कि कौन से रोग में काम ना करे। डायबिटीज़ जिसको कहते हैं ना, डायबिटीज़ है, और वो कहता है कि मुझे डायबिटीज़ है और मेरा शरीर टूटा टूटा रहता है, थकावट रहती है, वहाँ पर ये काम करती है। मैं अपने पेशेंट को देता हूँ और इसके मैंने इतने चमत्कार रिजल्ट देखे हैं ना, मतलब पेशेंट खुश हो जाता है जब भी वो दवाई लेता है ना, कि जी सर आपने क्या दवाई दी, मज़ा आ गया। तो जब पेशेंट कहता है ना कि मज़ा आ गया, तो कहीं ना कहीं हमें भी खुशी होती है कि यार हमने इतनी अच्छी मेडिसिन दी है। तो आप इसको बनाना, और कोई क्वेश्चन है तो बेफिक्र होकर मुझे मैसेज कर लेना, कहीं भी कन्फ्यूजन आ रहा है आपको, ठीक है। और मैंने जैसे आपसे वादा किया कि मैं इन फ्यूचर भी जो भी मेरे पास कॉम्बिनेशन मैं अपने क्लिनिक पर इस्तेमाल करता हूँ वो आपको शेयर कर दूँगा, मतलब कोई बात मैं अपने पास नहीं रखूँगा, छुपा कर नहीं रखनी, जितने मेरे कॉम्बिनेशन है वो आपको बता दूँगा। बस आपको ये काम करना है, प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और बहुत जिगर भी चाहिए कि अपना कॉम्बिनेशन बताने में, कोई नहीं बताता कॉम्बिनेशन, मैंने ये बेड़ा उठाया। तो प्लीज़ चैनल तो सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।